हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मिस किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जामाई षष्ठी स्पेशल दो इलिश। ये इलिश मछली का अलग से बहुत ही अच्छा एक टेस्ट होता है, जो सभी बंगाली लोग ऑल ओवर सबको बहुत पसंद आता है ये मछली। तो चलो शुरू करते हैं दही इलिश बनाना। दही इलिश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 पीस इलिश मछली ले लिया, इसे धो के अच्छा से रखा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर से इस मछली को हमें मैरिनेट करना होगा। मैंने हल्दी, मिर्ची और नमक से इसे अच्छा से मैरिनेट करके 10 मिनट रख दिया। आप सरसों, खसखस, नारियल, हरी मिर्ची, ये तीनों को हमने भिगो के रखा था, इन तीनों को हमें एक मिक्सचर में ले लेना है। ये है खसखस और ब्लैक सरसों, ये है नारियल का छोटा छोटा टुकड़ा और हरी मिर्ची। इन तीनों को हमें अच्छा से एक बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है ऐसा। अब एक कटोरी के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच दही ले लिया। उसके अंदर मैंने जो सरसों, खसखस और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था उसको 3 चम्मच मिला दिया। थोड़ा सा नमक एड टू टेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर आपको जितना पसंद है उतना, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स कर दिए और एक हैंड व्हिस्कर से हमें इसे अच्छा से मिक्स करना होगा। अब मैंने इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके जो मछली को मैंने मैरिनेट करके रखा था हल्दी, मिर्ची पाउडर से, नमक से, उसके ऊपर देना होगा। अच्छा से ऊपर से पहले इसको मिक्स करके मछली को हमें थोड़ा सा उल्टा करके उसके अंदर भी ये मसाला को हमें अच्छा से मिक्स करना होगा। जैसे मछली के अंदर ये मसाला अच्छा से चला जाए, ऐसे मैरिनेट करके हमें इस मछली को ऐसे 15 मिनट के लिए रख देना होगा। अब कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया 2 बड़े टेबल चम्मच। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही लगता है, थोड़ा सा कलौंजी दे दिया। जब कलौंजी थोड़ा सा गर्म हो गया तब उसके अंदर मैंने ये छोटा एक प्याज का टुकड़ा दे दिया, बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जब आधा फ्राई हो गया तब हमने जो मछली के अंदर सरसों का और खसखस नारियल का पेस्ट लगा के रखा था मैरिनेट करके उसको डाल दिए और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको 3-4 मिनट अच्छा से फ्राई करना होगा। ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का फ्राई करना, क्योंकि इलिश मछली बिल्कुल नरम मछली होता है, इसे ज़्यादा फ्राई करने से ये टूट जाता है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब जब हल्का फ्राई हो गया तब इसके अंदर बाकी जितना मसाला था उसको मिक्स कर दिया और उसी कटोरी में पानी लेके मिक्स कर दिए और इसे 2 से 3 मिनट गैस को मीडियम फ्लेम में रख के ऐसे ही छोड़ना होगा। अब देखो बिल्कुल मसाला से पानी छोड़ने लगा, तब मैंने थोड़ा सा और आधा कटोरी पानी मिला दिया और 3-4 हरी मिर्ची इसके साथ मिक्स कर दिए और थोड़ा सा ऊपर से कच्चा सरसों का तेल भी ऐड कर दिए और इसे अच्छा से मिक्स करके हमें और 5 से 10 मिनट अच्छा से इसको कवर करके गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम में रख के इसे पकाना होगा। आप देख सकते हो हमारा इस मछली बिल्कुल रेडी है, इलिश मछली। इसका मसाला से तेल अलग से निकल आया है, अब मछली भी अच्छा से इस मसाला के अंदर पक गया है। इलिश मछली बहुत जल्दी बन जाते हैं। हमारा इलिश, दही इलिश बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको बिल्कुल गरम गरम राइस के साथ, आपको ये इलिश मछली एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। अब हमारा रेसिपी आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और हाँ, मेरे रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही है, टाटा।